एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी बघेल। सब टाइटल अंक हम नील के आपसे तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो आज का वीडियो होने वाला है 5 सिंपल हेयर केयर टिप्स फॉर हेयर ऑयलिंग। यस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी हम हेयर ऑयलिंग करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हेयर ऑयलिंग का भी एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप रॉन्ग वे से करेंगे तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होगी, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मैं इतने सालों से यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल के अपने हेयर को लॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत सारे जो टिप्स है ना, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये सारे टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो टिप नंबर 1 है, कॉम योर हेयर बिफोर हेयर ऑयलिंग। यस, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऑयलिंग से पहले कॉम नहीं करते, वो डायरेक्ट ऑयल अप्लाई करने लग जाते हैं अपने बालों पे। इससे क्या होता है, जब आप ऑयलिंग करते हो तो आपके बालों में और भी ज़्यादा टैंगल्स होते हैं एंड आपके हेयर ब्रिकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप हेयर ऑयलिंग करते हो उससे पहले आप अच्छे से अपने बालों को डीटैंगल कर लीजिए, ओके, एंड दो पार्टीशन कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर पाएंगे अपने स्कैल्प पे, पूरे स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल अप्लाई होगा, आपके हेयर लेंथ पे अच्छे से अप्लाई होगा ना, आपको टैंगल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेनली टैंगल्स ही होते हैं और उससे हमारे हेयर फॉल, हेयर ब्रिकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने हेयर को पहले डिटैंगल कर लीजिए और उसके बाद हेयर ऑयलिंग करिए। आपको हेयर मास्क अप्लाई करना, कुछ भी हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप है कॉम्बिंग। सो जो टिप नंबर 2 है, चूज़ हेयर ऑयल अकॉर्डिंग टू योर हेयर प्रॉब्लम। यस, जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम है आपको उस हिसाब से हेयर ऑयल चूज़ करना चाहिए। बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे हम तो नारियल का तेल ही अप्लाई करते हैं, हमारे बाल इतने सुंदर है। आई नो, बट बहुत लोगों के जेनेटिक रहते हैं, कई लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, उनके बॉडी में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं रहती है, इसलिए उनके बाल इतने अच्छे से लॉन्ग हो जाते हैं। बट कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, जैसे मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे से अपने हेयर की केयर करनी पड़ती है, तभी मेरे हेयर लॉन्ग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता देती हूँ, जैसे मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मैंने कुछ टाइम पहले सरसों, भृंगराज, बरगद का जड़ का एक ऑयल प्रिपेयर किया था, मैं अभी उससे यूज़ कर, क्योंकि वो डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, उसमें मस्टर्ड ऑयल है। दो बार के यूज़ से मेरे डैंड्रफ 80% गायब हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको ऑयल चूज़ करना चाहिए, जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट देखिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस चीज़ के लिए बेटर है, कौन सा हेयर फॉल के लिए अच्छा होता है, कौन सा हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होते हैं। देन आप घर पे ही अपना ऑयल प्रिपेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, 4 सालों से मैं अपने बालों को लंबा कर रही हूँ, ऑयल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्दी लॉन्ग एंड थिक हेयर के लिए। सो जो टिप नंबर 3 है, मसाज योर स्कैल्प आफ्टर हेयर ऑयलिंग। यस, जब आप अच्छे से अपने बालों पे ऑयलिंग कर लेते हैं अपने स्कैल्प पे, देन आप जेंटली फिंगर टिप्स की हेल्प से, आप नेल का यूज़ मत करिएगा, फिंगर टिप्स की हेल्प से आराम से मसाज करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज करिए। इसका बेनिफिट क्या है, इससे आपके ना स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाती है एंड आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। आप खुद सर्च करके भी देख सकते हैं, स्कैल्प मसाज से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहा है, आप सिंपली अपने ड्राई हेयर पर भी मसाज करेंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। बट आप ऑयलिंग के बाद तो ज़रूर किया करिए, उससे आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होती है आफ्टर हेयर ऑयलिंग वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो जो टिप नंबर 4 है, डोंट रब योर हेयर। यस, ऑयलिंग करने का तरीका एक होता है, जैसे मैंने स्कैल्प पे आपको कहा आपको जेंटली मसाज करते हुए ऑयल अप्लाई करना चाहिए, उसी तरीके से हेयर लेंथ के लिए भी रहता है। कई लोगों को मैंने देखा है वो डायरेक्ट ऑयल लेते हैं और अपने बालों को इस तरीके से रब करते हैं। आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप इस तरीके से अपने बालों को रब करेंगे तो आपके हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा डल एंड ड्राई लगते हैं, डैमेज लुक देते हैं। उसका एक करेक्ट वे रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने हेयर का 2 तरीके से इस तरीके से पार्टीशन कर लेना। इससे क्या होगा, आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर लेंथ में। देन आपको थोड़ा सा ऑयल लेना अपने पाम पे, अच्छे से उसे रब करना है जिससे कि थोड़ा सा वो वार्म हो जाए। उसके बाद जिस हिसाब का अभी क्लिप में दिख रहा होगा आपको उस तरीके से अपने हेयर लेंथ पे ऑयल अप्लाई करना।
आपको रब नहीं करना, आपको स्मूथली अप्लाई करना है। इससे आपकी हेयर लेंथ बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे एंड इससे आपके हेयर पे टैंगल्स नहीं होंगे जो कि मेनली होते हैं। एंड जब आप कॉम करेंगे थोड़े बहुत टैंगल्स हैं वो इजिली निकल जाएंगे, आपकी हेयर फॉल काफ़ी कम होगी क्योंकि बाल नहीं खिंचा रहे हैं, हेयर ब्रेकेज भी कम होते हैं। तो प्लीज़ डोंट रब योर हेयर। सो जो लास्ट टिप है ना, वो सबको ये मिस्टेक करते हैं आई थिंक, कि आप हेयर ऑयलिंग के बाद तुरंत अपने हेयर को कॉम करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑयलिंग किए, कॉम किए, अपने बालों का ब्रेड्स बना लिए, बन बना लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने हेयर को ऑयलिंग किए हो, आप मसाज किए हो, वो अभी ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस टाइम अगर आप उससे कॉम करेंगे ना तो हेयर रूट थोड़े वीक रहते हैं, उस टाइम ज़्यादा हेयर फॉल होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 1-2 घंटे के लिए अपने बालों को वैसे ही रहने दीजिए, जब अच्छे से ऑयल आपके बालों पे, स्कैल्प पे, हेयर लेंथ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद अगर आप कॉम करते हो तो आप देखेंगे कि आपके हेयरफॉल बहुत कम होंगे, आपके जो टैंगल्स रहेंगे बालों काफ़ी ईजिली रिमूव हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, हेयर ऑयलिंग के बाद तुरंत कॉम नहीं करना है, कम से कम आपको 1 घंटा तो रुकना ही है। आप खुद गौर करके देखिएगा, एक बार आप ऑयलिंग करेंगे तुरंत आप कॉम करिएगा, कितने हेयर फॉल होते हैं आप देखिएगा। नेक्स्ट वीक आप क्या करिएगा, 1 घंटा ऑयल अप्लाई करके रखिएगा, देन कॉम करिएगा। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपके जो हेयर फॉल होते हैं ना वो हाफ हो जाएंगे, आधे हेयर फॉल होंगे। सो इस टिप को ज़रूर फॉलो करिए, मिस्टेक कभी भी मत करिएगा, मैंने किया है एंड आई नो मैंने ये दोनों में चेंजेस देखे हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी हेयर रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो या मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।